हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआरएस सन्स। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे और इजी इजी ब्यूटी टिप बीच बीच में बताती ही जाती हूँ, तो आज मैं एक और ऐसा ब्यूटी टिप लेके आई हूँ। और हम सब जानते हैं कि हमारे घर के अंदर ही इतने इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं कि हम वो हमारी स्किन के ऊपर एक तरीके से वाओ वर्क करते हैं, बस हमें उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगी जिनको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या जिनको भी रिंकल्स है, चेहरे पे पिगमेंटेशन आ रही है या ब्लेमिशिंग हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। उसके साथ साथ ही हमारी स्किन को ग्लो करेगी, सपल बनाएगी और बहुत ही सारे इसके बेनिफिट्स आप सबको मिलेंगे। तो हमारी जो, मैं एक बात आप सबको बताती हूँ कि हमारी जो स्किन है और हमारी स्किन का जो भी कलर है वो अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है। तो हमें सिर्फ अपनी स्किन को क्लीन रखना है। क्लीन स्किन किसी भी टोन की हो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और हम सबको इतना कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। तो चलिए आज की जो टिप है उसका मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट बता दूं। उसके लिए हमें चाहिए होगा बॉइल्ड राइस वाटर। तो हम सबको पता है राइस वाटर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है, तो हमारी एशियन होम रेमेडीज में राइस हमेशा से ही यूज होता रहा है। कितने सारे जैपनीज और कोरियन प्रोडक्ट्स हैं जिसके कारण राइस की जो एक कहते हैं ना अहमियत है वो बहुत ज्यादा स्किन के लिए सबने बढ़ा दिया और सबने देखा है कि वो बहुत अच्छा वर्क भी करता है। तो आज मैं आपको जो पैक बताने जा रही हूँ इसके लिए आपको कोई भी महंगे प्रोडक्ट खरीदने की नीड नहीं है, आप अपने घर में इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे कुक्ड राइस वाटर। आप चाहें तो जब भी हम राइस बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर आप अपने लिए ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून और 1 स्पून व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी स्किन इवन टोन होने के साथ एक बहुत अच्छा मिक्सचर भी बन जाएगा और प्लस ये हमारे फेस पे जो छोटे छोटे हेयर रिमूवल्स होंगे उसको भी रिमूव करेगी। और उसके साथ जो हमने एक और इंग्रेडिएंट लेना है वो है कर्ड। तो बस सिंपली आप इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। बस अब आपको ये मैं यूज करना बताती हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो अपना फेस वॉश कर लेंगे, उसके बाद आप बहुत ही आप इसके अपने स्किन पे प्रॉपरली लगाएं और लगाने के बाद आप इसको 10-15 मिनट्स रहने दें और सर्कुलर मोशन में अपवर्ड्स ऊपर की तरफ ऊपर की डायरेक्शन में ही इसको आप रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप इसको 2-3 टाइम्स यूज करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो आपको फर्क खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। और एक तो इसको बनाना भी बहुत इजी है, इसको यूज करना भी बहुत इजी है। तो हम इसको वंस इन अ वीक बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और ये हमारी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता। बट फिर भी जिनकी सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव स्किन हो वो एक बार इसको थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लो बनाने के साथ साथ हमें हेल्दी फूड इंटेक भी करना पड़ेगा। अगर हमारी स्किन अंदर से हेल्दी होगी तो उसका ग्लो हमारे फेस पे अपने आप ही आएगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे यंग। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आप और किस तरह की रेमेडी जानना चाहते हैं। और जितनी भी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी ये सारी की सारी रेमेडीज मैं खुद जरूर यूज करती हूँ और ये फेस पैक भी मैं अभी अपने फेस पे इसके बाद लगाने ही वाली हूँ। सो फिर मिलते